तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उन सभी छात्र छात्राओं का जो है 15 नवंबर से आपका सेंटअप एग्जाम होगा। क्लियर, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, मैंने कल के वीडियो में एक अपलोड किया था सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है कैसे डाउनलोड करना है, उसी में सारा का सारा जानकारी दिया था। और उसमें यह भी पूछे थे कि किस छात्र का जो है कौन सब्जेक्ट का पहला दिन एग्जाम, समझे कितना तारीख हो, तो 15 तारीख को जो है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बोले हैं सर मेरा हिंदी का और सोशल साइंस का एग्जाम। क्लियर, समझे। तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र आया बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल इसके यानी कि एडिटिंग किया हुआ नहीं है। आप देखिए 2022 लिखा हुआ है, समझे, क्योंकि आपका 2022 में ही सेंटअप एग्जाम हो रहा है तो 2022 लिखा हुआ है। और यहां पर जो है ना प्रश्न पत्र जो है ना उसका कोड जो होता है उस यहां पर 101 मिलेगा सबका है ना, विषय कोड जो यानी कि सबके पास जो है ना सेट जो मिलेगा वो ए ही मिलेगा। क्लियर, उसके बाद यहां पर बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न यहां पर है ना जानकारी दिया। यहां पर जो है ना आपको 100 प्रश्न दिया हुआ है जिनमें से जो है ना 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। क्लियर, ठीक है। तो हम लोग 50 प्रश्न को में से 100 प्रश्न का उत्तर देखेंगे और जो भी प्रश्न जो ना आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि है ना इस साल जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ पूरा बुक से अंदर से उठा कर लिया गया, समझिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया हुआ जिनमें से 50 प्रश्न का जवाब देना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। सभी जो ना जवाब जो ना वो MR शीट पर देना है, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, फटाफट जल्दी से लगा दीजिए, फटाफट जल्दी से। आपको अगर याद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं याद है तो याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न, ठीक है। आपको यह भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पेपर जो है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव जो है उसका कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा सारा बता दूंगा। क्लियर, तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ देख सकते हैं। पहला में है भारत विश्व के दांत, उसके बाद दूसरा में है भारत से हम क्या सीखे, तीसरा में नौबत खाने में इबादत, और चौथा में क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसका कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर कहेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो प्रश्न का क्या क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मदन और कासु, क्या कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है मदन और कासु के बीच झगड़ा क्यों हुआ, बताइए। मदन और कासु के बीच झगड़ा क्यों हुआ, बताइए। मदन और कासु के बीच झगड़ा क्यों हुआ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट देख लीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी से देखिए। इसका हम आंसर जो है ना डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, समझे, लट्टू खेलने के ललक में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, 2 का सही जवाब, ठीक है। ठीक है, जो भी मैं प्रश्न का जो जवाब दे रहा हूँ वो 100% सोल्यूशन के साथ ही दे रहा हूँ, ठीक है। और जो डाउट लगे, समझे, आई मीन मेरे तरफ से, यानी कि मैं भी एक इंसान हूँ, समझे, तो हो सकता है कि है ना मुझसे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो गया होगा, ठीक है, तो इसलिए घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। वे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपका जो है ना पिन कर दूँ, ताकि सभी बच्चे जो भी आएंगे वो देखेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्ययन जुड़ गया, ठीक है। कहता है किसकी खोज से हमारी जो है ना ऐतिहासिक चेतना में नया अध्ययन जुड़ गया, तो संस्कृत के, अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के, क्या होगा जी, तो 3 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा, ए हो जाएगा, संस्कृत के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्षों के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जी, तो 4 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 5 का बताइए क्या होगा जी आंसर, 5 का बताइए फटाफट जल्दी से, तो इसका आंसर क्या होगा जी बताइए फटाफट जी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसी भी डाउट होगा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि है ना आप है ना कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, सर 5 का ए नंबर लिख कर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आप कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में उच्छरी खलता नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में है उच्छरी खलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व यह बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति
किस पार्ट की है बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर श्रम विभाजन, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, अविनियों, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति, नाखून की बढ़ते हैं। तो चार चार ऑप्शन दिया, फटाफट जल्दी से याद है तो फटाफट लगाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हो, पूरा का पूरा छाप लो, पूरा का पूरा देख लिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लिया आप, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए, समझे। इसी से जो ना आपको है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद करते चलेगा। कहता है महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपना सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं, बताइए क्या होगा जी। तो सात का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है वो ये जगह मोहम्मद गोरी, ठीक है, अलाउद्दीन खिजली, शेर शाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठ के बढ़ते, कहता है बेतमा दान पत्र कब का है, बेतमा दान पत्र कब का है बताइए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट जल्दी से लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसका कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर यानी कि 1020 ईस्वी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है बताइए। कुहासा जो ना शीर्षक कहानी जो रचना संग्रह जो दिया गया है वो किस कहानी के लेखक की रचना है बताना है। तो यहाँ पर सही सही बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है ना अमरकांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी बताइए। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी, तो कहेंगे सर जी 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बहादुर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है बताइए। अंग्रेज जो है ना कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। तो कहेंगे सर जी 11 का जो है ना क्या होगा, तो देखिए मैं इसका नहीं लगा पाया हूँ समझिए, मुझे नहीं मिल पाया है इसलिए जो ना नहीं लगा पाया हूँ। अगर आप है ना किताब पढ़े हैं समझे पूरा, तो है ना उसमें से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्लियर। मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको 50% का ही जवाब देना है, तो क्लियर आपको समझना है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है बिरजू महाराज को संगीत भर्ती में कौन लाया बताइए। बिरजू महाराज को संगीत भर्ती में कौन लाया, तो नवाब साहब ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आगे बढ़ते हैं, आंद्रे ब्रेता रेने शॉप और पाल पलुआर से ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविनियों में रहकर लिखी थी बताइए क्या होगा जी। तो 13 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है ना 14 के बढ़ते हैं। कहता है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है बताइए। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ला का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। कहता है कौन ठंड से कांप रहा था, कौन ठंड से कांप रहा था, तो 15 का कहेंगे सर जी संतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधारण पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है ना पुस्तक नियम में कौन है बताइए। निम्न में क्या है कौन है। तो 16 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर यानी कि गिरिजा हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कहता है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है बताइए। तो 17 का कहेंगे सर जी बिस्मिल्ला खां का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है ना 18 के बढ़ते हैं, 18 के बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपडेट करो ना। आगे बढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बताइए। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बताइए। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बताइए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, फटाफट जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत ललन टॉप प्रश्न आया, देखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएंगे सर जी 19 का होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए, यह किसने कहा बताइए। 20 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिताजी ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क का उच्चारण स्थान क्या, कंठ से हो रहा है ना जी, क का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं उच्चारण में लघुता, क्या कहता है लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर जी अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जी, अहंकार शब्द का संधि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है बताइए, शुद्ध शब्द परनाम हो जाएगा, परनाम क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, मोहन शब्द कौन सा संज्ञा बताइए, मोहन शब्द जो है ना वो कौन सा संज्ञा है, तो 25 का कहेंगे सर जी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, चित्र शब्द में कौन लिंग है बताइए, चित्र शब्द कौन लिंग है बताइए, तो चित्र जो है ना ये कौन सा लिंग ही है, तो कहेंगे सर जी ये पुलिंग है, क्या है पुलिंग है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, भाप शब्द है बताइए, भाप शब्द है तत्सम है, क्या है तत्सम है, ये एक संस्कृतिक वर्ड से लिया गया समझे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग जो है ना रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होगा, तो 28 का कहेंगे सर पंडितानी हो जाएगा, पंडिताइन होता है लेकिन नहीं दिया ऑप्शन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है पंडितानी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कितने कारक है बताइए, हिंदी में कितने कारक है, तो 8 कारक है, याद रखिएगा हिंदी में कितने कारक है, तो 8 कारक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, याद रखिए मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण बताइए, तो यहाँ मछुए ने मछली मारा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी डी हो जाएगा, कर्म कारक का उदाहरण। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बढ़ते हैं, 31 में देखिए कहता है आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण, किस सर्वनाम का उदाहरण क्या जी, ऑप्शन नंबर कहेंगे निजवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कहता है कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है बताइए, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का, तो व्यक्ति संख्यावाचक होगा जी, संख्यावाचक होगा ना जी, जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिया क्रियाओं के व्यापार, व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं बताइए, तो 33 का क्या कहेंगे वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, बढ़ते हैं 34 में दिया है चिड़िया शब्द है बताइए, चिड़िया शब्द है 34 का क्या हो जी, तद्भव है, क्या जी तद्भव। ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है बताइए, बनावट के विचार से शब्द के दो भेद है, याद रखिएगा शब्द के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सपूत शब्द में उपसर्ग क्या, उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा उपसर्ग पूछ रहा है। ठीक है तो सपू जो है ना त एक, सपू जो है ना एक अलग वर्ड है, ठीक है लेकिन त जो है ना एक वर्ड अक्षर अलग है। ठीक है तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, बंधु शब्द में प्रत्यय है बताइए, बंधु शब्द का जो प्रत्यय क्या होगा, तो 37 कहेंगे सर जी 37 का, 36 का हो गया ना जी, 36 का सपूत, सॉरी डी होगा ना जी, 36 का डी होगा, स हो जाएगा, सॉरी 36 का क्या होगा जी, डी हो जाएगा, 35 का ठीक है, 36 का डी हो जाएगा, 37 का बताइए, बंधु शब्द में प्रत्यय उपसर्ग पूछ रहा है, मतलब होता है लास्ट में, मतलब पहले उपसर्ग मतलब पहले होता है, ठीक है और प्रत्यय मतलब बाद में होता है, याद रखिए बाद में कोई वर्ड में आकर जुड़ जाता है क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है तो बंधु में क्या है प्रत्यय बताइए, बंधु धू ऊ क्या आवाज आ रहा है ना, छोटी ऊ होगा, ठीक है क्या होगा जी, 37 का बंधु, बंध बंध बंधु, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। ठीक है तो हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है यहाँ अब है ना देख लीजिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पर जो ध जो लगा हुआ है वो हिरसन में लगा हुआ है, ठीक है हिरसन में तो है ना मतलब छोटी ऊ हो गया, अगर दुर्दंग में रहता है तो क्या लगाते हैं, बड़ी ऊ लगाते हैं समझिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना बन बन जो है ना बन एक वर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है हाँ ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है आप कमेंट बॉक्स में लगाइए, बहुत अच्छा में ये सवाल है, ठीक है इसे देख लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र शब्द का विशेषण है बताइए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है बताइए, 37 हो गया, 38 का क्या होगा जी, तो राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है बताइए, सपरिवार में शब्द में जो है वो कौन सा समास है, तो 40 का कहेंगे अव्यवी भाव समास है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के, बढ़ते हैं 40 में है, अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है, अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है, जल होता है, डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे बताइए, गुरु नानक जो है ना उसकी जो मृत्यु हुई थी तो उस समय जो है ना वो कुछ कहा था, वो क्या कहा था बताइए, तो 41 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, वो
वाहेगुरु कहा था, क्या था? वाहेगुरु। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बताइए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो कहेंगे सर जी 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। मोन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ दीर्घ अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है ये बता रहा है। तो 43 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। भाई जो है ना घनानंद, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था बताइए। 4 ऑप्शन दिया, फटाफट जल्दी से लगाइए। ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से लगे। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है बताइए, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समझे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में है। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता का संग्रह संकलित है? तो 46 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, देखिए, दैन जरित अल्पक अपलक है, जय दैन जरित अपलक नत चितवन अंधेरों में चीर नीरव द्रोण द्रो क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, दैन जरित अपलक नत चितवन अंधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति जो है ना वह किस कविता की है बताइए समझिए, यह पंक्ति किस कविता की है बताइए फटाफट। 47 का क्या होगा जी, भारत माता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 में। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है बताइए, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? 48 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 के बढ़ते कहता है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो है ना जनतंत्र के देवता कौन है बताइए। तो क्या होगा 49 का कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान मजदूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते 50 में दिया है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था बताइए, क्या होगा जी? तो 50 कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी भाषाओं का ज्ञान था, तमिल का, संस्कृत का, अंग्रेजी का। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता का संग्रह से संकलित है? तो 51 से क्या होगा जी, 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदा नीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बचना है जंगल को क्या कहते हैं बताइए, बचना है जंगल को क्या कहते हैं बताइए। 52 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर मरुस्थल हो जाने से। ठीक है, बचना जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कहता है, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है बताइए, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता रहता है? 53 के कहेंगे सर जी धरती चलता रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दिए, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है बताइए। तो 54 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी, बिहार के रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है बताइए, किस कविता की है? कहता है, प्रथम विफलता पर छलके ये आंसू ही है ये शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह व्यक्ति किस कविता की है बताइए। तो ये आंसर क्या होगा जी 55 का जी, ऑप्शन नंबर अक्षर हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 में, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था बताइए। 56 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, झरा पालक किसकी रचना है बताइए, झरा पालक किसकी रचना है? तो 57 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं, 58 में दिया, जीवनानंद दास बागला के किस काल के प्रमुख कवि है बताइए, किस काल के प्रमुख कवि है। तो जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो 58 के क्या होगा जी, 58 का क्या होगा जी बताइए, 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के बढ़ते हैं। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है, बताइए टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है। तो 59 का कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पर देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिए हैं। रे नर मारिया सिल्के का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, बताइए फटाफट जल्दी से लगा दिए, ठीक है। इससे पहले मैंने कर लिया, ठीक है। टेल्स हाँ जी, 60 का, 60 का आंसर क्या होगा जी। तो 60 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो ना वो इसका सही हो, बी सी हो जाएगा सही हो, 1875 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 61 में दिया, 61 में दिया, देखिए वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझिए अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी। तो 62 का क्या होगा जी, 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपना काम निकालता, ठीक है, निकालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या बनता है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द जो बनता है वो क्या बनता है। तो 63 का है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 का क्या होगा जी, पति का पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी। तो 64 का कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वल्लभ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य इसमें पहचाना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा सही, अब ठीक है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, समझिए प्रधानाध्यापक लड़की चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़के लड़के चुनेंगे लड़के नहीं, प्रधानाध्यापक लड़के का चुनाव लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है सही है, आप क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया, यहाँ देखिए 56 में दिया बिजली चमकती है किस वाक का उदाहरण है, बताइए बिजली चमकती है किस वाक का उदाहरण। 66 के क्या हो जाए, मिश्र वाक हो गया, बिजली और चमकने के बीच में जो ना मिश्र वाक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बरगद और पीपल की घनी छाव में हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक में पदबंध क्या है, बताइए। तो 67 का है ना विशेषण का पदबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 68 में राम आया और सो गया, ठीक है, राम आया और सो गया, समझिए किस वाक का उदाहरण है, बताइए। तो कहेंगे सर जी 68 का क्या है, वह संयुक्त वाक है, राम आया और सो गया, ये दोनों क्या हुआ आपस में मिल गया ना जी, ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 में है देखिए गौरी शंकर शब्द कौन समास है, बताइए गौरी शंकर जो शब्द है वो कौन सा समास है, द्विंद समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में लोहा शब्द का विशेषण क्या है, लोहा शब्द का विशेषण 70 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 में देखिए खिंचाव शब्द में प्रत्यय बताइए, खिंचाव शब्द में प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आओ हो जाएगा, खिंचाओ आओ हो जाएगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनजान शब्द में प्रत्यय उपसर्ग बताइए, उपसर्ग मतलब होता है उपसर्ग क्या, उपसर्ग बताना है जी। तो 72 के कहेंगे सर जी उपसर्ग मतलब पहले, पहले जो जुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के बढ़ते हैं, 73 में जी क्या होगा जी, तो 73 का आंसर क्या होगा, जूता शब्द है जूता, हमारे कहाँ देशज होगा जी, देशज ना हो जाए जी, क्या होगा जी, देशज, देशज हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो ना देखिए तूने गया होगा यह कौन काल है, बताइए तूने गया होगा पास्ट हो गया जी, भूतकाल हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पास्ट हो जाएगा मतलब भूत पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 को या 74 की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 75 में, 75 में देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, देखिए कहता है श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए श्याम आम खाता है किस क्रिया का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 के बढ़ते क्षेत्र में है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया, ठीक है। तो देखिए मेरा एक कुत्ता है उसका संबंध हो रहा है, समझिए किससे, कुत्ता जो ना आदमी से संबंध हो रहा है, समझिए तभी ना लाया गया, ठीक है, जो कह रहा है मेरा एक कुत्ता है स्पष्ट हो रहा है, समझिए उसका क्या होगा जी। तो 76 के कहें सर जी ऑप्शन नंबर जो ना वो संबंध वाचक हो जाए, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के बढ़ते हैं, कहता है परिचारक शब्द का स्त्री लिंग क्या है, बताइए परिचारक शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा जी, 77 का क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है, कारक हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मतलब होता है ये क्या हो रहा है जी, ये आपसे मतलब होता है क्या हो रहा है इसमें, ये कह रहा है इंटरजेक्शन की बात हो रही है जी, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ पर ना प्रार्थना कर रहा है ना जी, प्रार्थना अभिलाष प्रार्थना और ये जो होता है समझिए, तो वो क्या होता है अप्रदान संप्रदान
अधिक संबोध नहीं, अधिकारक हो जाएगा, अधिकारक बिल्कुल जी, अधिकारक हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हे भगवान मेरी रक्षा कर, मतलब इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 79 का क्या होगा, आंसू शब्द में लिंग है, बताइए आंसू शब्द में लिंग क्या होगा। 79 का, 79 क्या होगा जी, बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसू जो है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है पाकिस्तान शब्द कौन सा संज्ञा, बताइए संज्ञा यह क्या है, नाम है, तो पाकिस्तान भी एक नाम हो गया जी, तो क्या होगा ये जातिवाचक संज्ञा। पाकिस्तान शब्द जो है ना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, नाम हो गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, मैं आपको कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो सभी अच्छे हैं ना देख लेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 क्या कहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, बताइए अशुद्ध शब्द कौन है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, विद्यार्थीगण, तो विद्यार्थीगण पक्षीराज, विद्यार्थीगण गलत है, विद्यार्थीगण गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण ऐसे हो ना, इस तरह से ना होता है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बढ़ते हैं, क्योंकि आपको 50 का ही जवाब देना, तो जो डाउट अगर लगे तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जी, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 82 का क्या होगा जी, डी, सीमा जोर अंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, 9 का 83 का कहीं से जी मुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 का क्या होगा जी, 84 का फटाफट बताइए, 84 का कहीं से ऑप्शन में बी हो जाएगा सही, ठीक है, अल्प अल्प प्रणाम व्यंजन क्या होगा। 85 की बढ़ते हैं, 85 भाषा के कितने रूप है, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप है, समझे, लेकिन उसको हमने तीन भागों में बांटा गया, ठीक है, लेकिन आपको लगाना ही दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दही वाले मगंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किसने किया है, बताइए किसने किया है, बताइए फटाफट जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर क्या होगा, बी आर नारायण ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, माँ जी सोने जैसा, यहाँ पर हुर्रा अपला यानी कि इंटरजेक्शन हो रहा है, समझे, यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है ना जी, तो इसके हिसाब से क्या होगा जी, तो 87 कहेंगे सर जी, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 के बढ़ते होता है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, बताइए सीता को किसने रसमलाई भेजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 88 के बढ़ते 88 में बढ़ते हैं, क्या हुआ, तो 88 हो गया नहीं, 89 में किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, तो 89 का कहें सर जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, 89 का सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 की तरफ बढ़ते, कहता है बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिया गया पंक्ति की जो है ना किस पाठ की है, बताइए किस शीर्षक पाठ की है, तो 90 के कहें सर जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आप, ठीक है, क्या हो जी, डी माँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 के बढ़ते, 91 का आंसर क्या होगा जी, 91 का आंसर क्या हो, शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले लेने को क्या कहते हैं, बताइए, तो क्या होगा, बाड़ी, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, क्या होगा जी, 91 कहीं से जी, बाड़ी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार के वजनीय और यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, उड़ीसा जो सरकार थे उसके ना वजनीय और यातायात जो विभाग थे उसके विशेषण विशेष में सचिव कौन थे, तो कहेंगे सर जी 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में बढ़ते, 93 का आंसर क्या होगा, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितने खेत छोड़ गए थे, बताइए 93 के कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर 2 बीघा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पापाती पापाती किस रोग से पीड़ित है, बताइए पापाती किस रोग से पीड़ित है, तो 94 के कहेंगे ऑप्शन नंबर मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 के बढ़ते हैं, कहता है धरती कब तक झूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घर से होता है, बताइए किस घटना से होता है, किस घटना से होता है ना जी,
तो 95 के कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता घर छोड़ दिया था। बताइए तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए एक मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ यूट्यूब चैनल पर जो है ना ऑनलाइन जो है ना हर दिन रोज डेली की बात किया जाए, ठीक है, तो सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है लाइव, बिल्कुल लाइव। आप पर्सनल जो ऐसे बात होता है ना जी, वैसे आप टॉकिंग कर सकते हैं लाइव में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सारा का सारा सब्जेक्ट में तैयारी किया जाता है, समझे, चैप्टर वाइज पूरा सब्जेक्ट की तैयारी किया जाता है। उसके साथ साथ जो ना मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, समझे, सारा का सारा जितना जो आता है ना गाइड, समझे, सारा का सारा जो है ना हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है ना कराया जाता है। जो प्रीव्यू क्वेश्चन पेपर जो होता है ना जी, सारा का सारा कलेक्शन पूरा इकट्ठा जो ना करके तैयार कराया जाता है रोज डेली 7 बजे सुबह में, ठीक है, सॉरी शाम में 7 बजे और सुबह में 10 बजे कराया जाता है। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक की भी पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, इसलिए जो है सबका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप वहां से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में भी बना हुआ सेक्शन बना हुआ है पूरा प्ले लिस्ट में, वहां से आप जाकर एक एक सब्जेक्ट का जो है जिसका आप डाउट है, समझे, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको आप मन लग रहा है पढ़ने में, समझे, वो वहां से आप दे सकते हैं। और आपके लिए VVI प्रश्न सेट किया गया, उसमें जो भी बताएगा वो VVI प्रश्न है, आप उसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और समझ लीजिएगा। मेरा ये गारंटी है कि 450 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पर और आप नाम कमाइएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा और सारा का सारा प्लेलिस्ट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं प्रत्येक विषय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 का क्या होगा जी, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो 96 का कहें सर जी ऑप्शन नंबर यानी गुजराती भाषा में लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 97 कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, बताइए, तो 97 में कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, मीरा। नहीं देखिए इसमें जो है ना मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे डाउट है इसमें, छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे कमेंट में बताइएगा अगर याद है तो, ठीक है। कहता है वल्ली अमला वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया, वल्ली जो अमाल थे उसको कितने नंबर कमरे जाने के लिए कहा गया, तो 98 कहीं से ऑप्शन नंबर 48 नंबर वाले कमरे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बैलगाड़ी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 जो दिया है जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब देना है और हम मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, तो इस चैनल से बने रहिएगा, ठीक है, ठीके? मैं पूरा का पूरा इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, समझिए लास्ट तक देखिए। कहता है काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, बताइए, उपन्यास है काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, तो 100 कहेंगे सर जी ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, पेटलीकर ऑप्शन बी हो जाए सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न कर लिए। अब हम चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से आप जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर और सब्जेक्टिव का आंसर जो है ना PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आपको जो है ना गूगल क्रोम में आ जाना और सिंपल जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पर लिखना है pointofstudy.com, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं करना, ठीक है, pointofstudy.com। जैसे सर्च किया गया तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, समझिए, और यहाँ पर लिखा BS लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, और BSC भी अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस पर आपने यहाँ पर BSC भी अपडेट जो दिया हुआ है इसी में आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख क्लास 10th एग्जाम सेंटर को जो है यहाँ पर सेंटर एग्जाम का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए, क्वेश्चन आउट, समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th जो है 10वीं का सेंटर एग्जाम का यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसमें। उसके नीचे जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी लेटेस्ट अपडेट में नहीं, BSEB अपडेट में देखना है, ठीक है, BSEB अपडेट ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहीं पर मिलेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देगा, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और नीचे और जाएंगे, समझे, सारा का सारा यहाँ पर जानकारी दिया है, सारा का सारा जानकारी यहाँ पर पढ़ लेना है, समझे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे और यहीं पर लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पर देख सकते हैं ना जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए पूरा पढ़िए यहाँ पर मैट्रिक ऑल सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं और यहीं पर जो है ना आना है और यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा विषय दिया हुआ, ठीक है,
समझिए, सारा का सारा सब्जेक्ट दिया हुआ, जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है सो सिंपल उसके सामने समझो नहीं यहाँ लिखा हुआ क्लिक है उस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे सपोर्टेड मैं हिंदी का भी है ना डाउनलोड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं क्लिक यार लिखा हुआ हिंदी के सामने सामने, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और सेंटअप एग्जाम के बारे में हिंदी के पेपर के बारे में सारा का सारा जानकारी देखने को मिल जाएगा, समझिए। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में और नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे और सारा का सारा जानकारी दिया, और यहाँ देख सकते हैं आपके लिए जो आंसर अपडेट कर दिया गया, आप देख सकते हैं सारा का सारा अपडेट कर दिया गया, समझिए। और नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो यहाँ देख सकते हैं हिंदी का सब्जेक्टिव पीडीएफ, उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। और आप क्वेश्चन पेपर लेना है, क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटर पर एग्जाम का जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको यहाँ पर क्लिक किया लिखा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइए। क्वेश्चन पेपर जो है टेलीग्राम में जो है पहले सेंड किया जाता है, इसलिए जो है पहले आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगला विषय जो आपका जो सेंटर एग्जाम है वो कौन सा है सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, ठीक है।